हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। कथा आइए कथन निष्कर्ष को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने कथन निष्कर्ष को बताया था, जो 150 वाली विधि थी, और डायग्राम को नहीं बनाना, ऐसा हमने थंबनेल पे लगाया था। ठीक है, तो जितना भी हम कथन निष्कर्ष आपको बताएंगे उसमें कथन डायग्राम आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आइए पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली है, दूसरा कथन है सभी बिल्ली भालू है, और तीसरा कथन है कुछ भालू बिल्लियां हैं। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कुछ कुत्ते भालू हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते भालू हैं, और चौथा निष्कर्ष है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो हमने क्या बताया था, जब भी हमारा कथन सभी से चालू हो, पहला कथन या कोई भी कथन हमारा जब सभी से शुरू हो, तो पहली एलिमेंट्स को हम लोग कितना देंगे? 50 रुपए। पहले एलिमेंट्स को 100 रुपए देंगे और दूसरे एलिमेंट्स को हम लोग 50 रुपए देंगे। अगर कोई भी एलिमेंट्स हमारा कुछ से चालू हो तो दोनों एलिमेंट्स को हम लोग 50-50 रुपए देंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट्स हमारा कोई से चालू हो तो दोनों एलिमेंट्स को हम लोग 100-100 रुपए देंगे। ठीक है, अब इस बात को हम लिखेंगे नहीं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैसे देना है, तो अब हम पैसे लिखेंगे नहीं। ठीक है, केवल हमको सोचना है कि हमको इसको कितना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी कुत्ते भालू हैं, सभी बिल्ली भालू हैं, कुछ भालू बिल्ली हैं। ठीक है, इसके बाद पहला निष्कर्ष करते हैं कुछ कुत्ते भालू हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कुछ कुत्ते भालू हैं। अब कुत्ते की शादी हमको भालू के साथ करानी है। ठीक है, तो कुत्ते की शादी हमको भालू के साथ करानी है। आपको देख रहे हैं कि भालू कितनी बार है, तो भालू कितनी बार है? 2 बार, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, और बिल्ली भी कहाँ है? बिल्ली देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमको देखना है कि जहां पर ये सवाल हमारा फिट हो जाए वहां पे हमको फिट कर देना। ठीक है, अब देखिए कुत्ते की शादी हमको किससे कराना है? भालू से। तो इस कुत्ते की शादी हमको इस भालू से करा देना है। ठीक है, इस कुत्ते की शादी हमको यहाँ पे भालू से कराना है, इससे कराना है। ठीक है, तो हमने इसमें देखिए एलिमेंट सेम एलिमेंट क्या है, बिल्ली और बिल्ली। ठीक है, अब यहाँ इस बिल्ली को कितना मिला? 50 रुपए मिला, और ये सभी चालू इस बिल्ली को हमारा कितना मिला? 100 रुपए मिला। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कुछ कुत्ते भालू हैं। ठीक है, तो कुछ कुत्ते भालू हैं, जो सेम एलिमेंट होता है उसको कितना मिलना चाहिए? 150 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुत्ते की शादी भालू के साथ करा दी, कुत्ते की शादी भालू के साथ करा दी, और हमारा सेम एलिमेंट क्या हो जाएगा? बिल्ली और बिल्ली। ठीक है, और बिल्ली को कितना मिल रहा है यहाँ पे? 150 रुपए मिल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो सेम एलिमेंट होता है उसको 150 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे उसको कितना मिल रहा है? 150 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब हमारा कथन सही है, ये हमारा कथन क्या हो गया? सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो अब हमको यहाँ पर कुत्ते की शादी बिल्ली के साथ करानी है। ठीक है, कुत्ते की शादी हमको बिल्ली के साथ करानी है, तो अब यहाँ पे देखना है कुत्ता कहाँ पे है। ठीक है, तो देखते हैं कुत्ता यहाँ पे है और बिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, कुत्ता यहाँ पर है क्योंकि इस कुत्ते की शादी यहाँ पर बिल्ली से कराएंगे, जो सेम एलिमेंट है वो मिलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस कुत्ते की शादी हम यहाँ पे कराएंगे, इस कुत्ते की शादी हम लोग यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो ऊपर से हम लोग नीचे आए और सेम एलिमेंट्स क्या क्या मिले? बिल्ली मिला सेम एलिमेंट्स, और भालू मिला। जैसे हमने क्या कहा था कि अगर छत पे चढ़ना होता है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा नहीं पहली सीढ़ी से सीधा लास्ट वाले में चले जाए, तो हमको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप। तो उसी तरीके से देखना है कि जब हम कुत्ते से यहाँ पर बिल्ली पर आए तो पहले स्टेप पे हमको क्या सेम एलिमेंट मिला? बिल्ली मिला। इसके बाद दूसरे एलिमेंट्स में क्या सेम मिला? भालू मिला। अब देखते हैं दोनों को 150 रुपए मिला कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो जो एलिमेंट सेम है इनको 150 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस बिल्ली को 50 रुपए मिला और इस बिल्ली को यहाँ पे 100 रुपए मिला, यानी कि इस जो बिल्ली से सेम एलिमेंट है इसको कितना मिला? 150 रुपए मिला। अब देखते हैं भालू को यहाँ पे 150 रुपए मिला कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भालू कितने मिले? यहाँ पे 50 रुपए, और यहाँ पे भालू को मिला कितना? 50 रुपए, यानी इसको कितना मिला? 100 रुपए। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, इस निष्कर्ष को हमको सीधे गलत कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं सभी कुत्ते भालू हैं। क्या है? सभी कुत्ते भालू हैं। अब हमको कुत्ते की शादी भालू के साथ करानी है। ठीक है, कुत्ते की शादी हमको भालू के साथ करानी है, यानी इस कुत्ते की शादी यहाँ इस भालू के साथ हमको करानी है। ठीक है, अब देखना है सेम एलिमेंट्स क्या है? सेम एलिमेंट्स बिल्ली है, और इस बिल्ली को कितना मिलना चाहिए? 150 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ली कितना यहाँ पे मिला? 50 रुपए मिला, और इस बिल्ली को यहाँ पे कितना मिला? 100 रुपए मिला। ठीक है, तो 150 मिला कितना हो गया? 150। तो ये कथन हमारा निष्कर्ष तीसरा सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं चौथा निष्कर्ष क्या है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं,
अब कुत्ते के साथ ही हमको बिल्ली के साथ करानी है, तो कुत्ते के साथ ही हमको बिल्ली के साथ करानी है, ठीक है, क्योंकि इस कुत्ते के साथ इस बिल्ली के साथ कराएंगे तो देखिए यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हमको इस कुत्ते के साथ इस बिल्ली के साथ करानी है, इस कुत्ते के साथ ही हमको बिल्ली के साथ करानी है, तो बिल्ली यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट्स हो गए, और इस बिल्ली यहाँ पे इसको 100 रुपए मिल रहा है, इसको 50 रुपए मिल रहा है, तो दोनों को कितना मिला 150 रुपए। अब देखते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या सेम एलिमेंट्स है, तो सेम एलिमेंट्स क्या है, भालू है, ठीक है, तो यहाँ पे भालू को 50 रुपए मिला और यहाँ पे भालू को कितना मिला 50 रुपए मिला, ठीक है, तो 50 50 मिला कितना हो गया 100, मिलना कितना चाहिए 150 रुपए, तो इसका मतलब ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत है। तो इसका मतलब हमारा कौन कौन सा निष्कर्ष सही निकला, निष्कर्ष नंबर पहला और निष्कर्ष नंबर तीसरा, ये हमारे निष्कर्ष क्या है, सही है, ठीक है। तो ये 150 वाली जो विधि है आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको जब समझ जाएंगे तो आपको पिन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आप सीधा ऐसे आंसर मारोगे, ठीक है। अब आइए अगला सवाल को समझते हैं, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला कथन कह रहा है सभी बादल कोहरे हैं, और दूसरा कथन है सभी कोहरे सफेद हैं, और तीसरा कथन कह रहा है कि सभी बादल क्या है, काले हैं, ठीक है। अब इसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष कह रहा है कुछ बादल सफेद हैं, और दूसरा निष्कर्ष है सभी बादल सफेद हैं, और तीसरा निष्कर्ष है कोई बादल काला नहीं है, ठीक है। अब इसको हमको उसी 150 वाली विधि से करना है, ठीक है। कह रहा पहले हम लोग किसे निष्कर्ष से ही शुरू करते हैं, ठीक है। निष्कर्ष कह रहा कुछ बादल सफेद है, यानी हमको बादल की शादी सफेद के साथ करानी है, ठीक है, बादल की शादी हमको सफेद के साथ करानी है, और कोहरा क्या हो गया सेम एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब सेम एलिमेंट्स को 150 रुपए मिलना चाहिए, तो इस कोहरे को 100 रुपए मिल रहा है और इस कोहरे को 50 रुपए मिल रहा है, यानी कि सेम एलिमेंट्स को 150 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब हमारा कथन क्या हो गया, सही हो गया। अब कह रहे हैं सभी बादल सफेद हैं, अब बादल की शादी हमको सफेद के साथ करानी है, क्या कह रहे हैं कि सभी बादल सफेद है, तो कह रहा है कि हमको बादल की शादी सफेद के साथ करानी है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमने जब भी निष्कर्ष सभी से शुरू हो तो पहले वाले एलिमेंट्स को 100 रुपए मिलता है, तो कथन में भी पहले एलिमेंट्स को 100 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, यह कह रहा है सभी बादल सफेद है, यानी बादल को कितने मिला 100 रुपए मिला, तो 100 रुपए इसको यहाँ पर मिला, तो कथन में भी बादल को 100 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बादल यहाँ पे है, यहाँ पे 100 रुपए मिला, और बादल यहाँ भी है, तो 100 रुपए इसको मिला। बादल के साथ हमको सफेद के साथ करानी है, तो बादल के साथ हम सफेद के साथ कराएंगे, और कोहरा हो जाएगा सेम एलिमेंट्स, और सेम एलिमेंट्स को कितना मिल रहा है 150 रुपए मिल रहा है, यानी दोनों बातें हमारी फॉलो कर रही हैं कि बादल को भी हमको 100 रुपए मिल रहा है, और जो सेम एलिमेंट से उसको भी 150 रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है दूसरा निष्कर्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई बादल काला नहीं है, कोई बादल काला नहीं है। अब देखिए तीनों हमारे जो कथन है सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब किसी में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, निष्कर्ष कह रहा है कि कोई बादल काला नहीं है, तो पॉजिटिव कथन का निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, इसको हम लोग अपने मन से कट कर देना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जितने भी कथन निष्कर्ष आप इसी तरीके से लगाइए, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। और हम अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आइदर आर कंडीशन वाले क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे लड़के हैं जो आइदर कंडीशन नहीं पता चल पाता उनको, किसमें आइदर कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, तो आइदर कंडीशन हम आपको इतने अच्छी तरीके से समझा देंगे कि आइदर कंडीशन आपसे कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।